फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, ये फिजिक्स क्या है, आखिर ये फिजिक्स किस बला का नाम है? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. वंस अगेन, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. नेचर, नेचर, हीट, लाइट, साउंड, वेव, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, व्हाट आर दिस? दिस आर नेचर. और फिजिक्स में हम यही सब का अध्ययन करते हैं. तो यह कहना कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, हरगिज गलत नहीं होगा. नाउ व्हेन यू कम टू लॉज, there are various laws which are studied in physics. Some are Newton's laws of motion, Newton's laws of gravitation, Kepler's laws of planetary motion, Einstein's theory of relativity, Einstein's theory of photoelectric effect, Einstein's theory of mass energy equivalence, Coulomb's law, Gauss's law, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड मेनी मोर. तो हम जब गौर फरमाएंगे तो ये जो लॉज हैं, ये सारे के सारे नेचर का लॉज है. ये सारे का सारे लॉज नेचर को गवर्न करती है और यही सारे लॉज का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं. तो यह कहना कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज बिल्कुल गलत नहीं होगा. नाउ फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, ये जो ब्रह्मांड रूपी फिजिक्स है, इसका सरलता से अध्ययन किया जाए. फिजिक्स को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया. In other words, physics is divided into various branches for the sake of easiness. Various branches of physics are mechanics, heat and thermodynamics, wave and oscillation, electricity, magnetism, optics, nuclear physics, electronics, astrophysics and many more. अब हम लोग आने वाले videos में इन सारे branches of physics का एक एक करके अध्ययन करेंगे. उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा. तब तक के लिए शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.